सभी का स्वागत है न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको कैम स्कैनर ऐप के ऑल्टरनेटिव बताऊंगा। मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ तीन ऐप्स के बारे में बात करूंगा। सभी ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और मैं सभी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना। तो जो सबसे पहली ऐप है ये मेड इन इंडिया, ये है डॉग स्कैनर ऐप, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी फीचर मिल जाते हैं कैम स्कैनर से। तो मैं एक डॉक्यूमेंट स्कैन करूँगा, नहीं एक्चुअली मेरे पास पिक्चर एक ऑलरेडी है। और इसमें आपको कोई भी आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमें कैम स्कैनर में होती थी। तो जहाँ पर आप रोटेट वगैरह या क्रॉप जो भी आप करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, और फिर इस एरो पे क्लिक करो, जहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप कलर फिल्टर ऐड कर सकते हो, आप रोटेट अरेज, अगर आप कुछ अरेज करना चाहते हो, कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हो, सिग्नेचर, वाटर मार्क, टैक्स ऐड करना चाहते हो, ठीक है, आप देख ही सकते हो, शेप्स भी ऐड कर सकते हो। और इसमें जो फीचर आपको नहीं मिलता है वो है OCR रीड, तो ऑप्टिकल करेक्टर। आपको मालूम ही होगा वो हमें एज आ टैक्स प्रोवाइड कर देता था कैम स्कैनर, वो फीचर इस ऐप में अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर आप मेड इन इंडिया ऐप यूज़ करना चाहते हो तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। और जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो है अडोब स्कैन। जो अडोब के पास आपको सभी को मालूम है कितना ज़्यादा डेटा है, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। ये इजी टू यूज़ है और ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है कैम स्कैनर की तरह। इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको आपका मोबाइल नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो गूगल की मदद से या फिर वैसे ही अकाउंट ईमेल और पासवर्ड एंटर करके अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए एक डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, ठीक है, जल्दी स्कैन कर लेता है। तो मैं इसमें गया, इसमें आपको इनका अडोब का क्लाउड मिलता है, जहाँ पर आपको 5 GB फ्री स्पेज मिलती है। तो जहाँ पर ये A4 पोर्ट्रेट है, तो काफ़ी रीसाइज के ऑप्शन, प्रीमेड ऑप्शन अवेलेबल हैं इसमें। मुझे कुछ भी नहीं करना, और इसमें आपको इसको आप एज आ सेव, आप एज आ PDF कर सकते हो। आपको कलर्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, और मतलब रीसाइज के। इसमें अगर मैं एडिटिंग की बात करूँ, सॉरी एडिटिंग या फिर ऑप्टिकल करेक्टर रेड, उसके लिए आपको इनकी और एक ऐप आती है अडोब एक्रोबैट, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इतना भी काफ़ी नहीं है एक्चुअली, उसके बाद भी आपको मतलब उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है जो 7 डेज का फ्री ट्रायल प्रोवाइड करते हैं, आपको वो भी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाऊं, ये मैंने पहले स्कैन किया, तो जहाँ पर अगर मैं एडिट PDF पे करूं तो ये आ जाता है, इनका 7 डेज का फ्री ट्रायल है, उसके बाद ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक और है जो है ऑफिस लेंस, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है। बाय द वे गाइस, जो इंडियन ऐप है उसको छोड़कर जो ऐप्स मैंने दोनों बताई, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर अडोब स्कैन, मतलब इनमें कोई भी आपको ऐड नहीं आएगी इनके फ्री वर्जन में। तो ये भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक ऐप है, ये भी बढ़िया है। तो जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड, बिजनेस कार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए एक डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, वैसे इसने खुद डिटेक्ट कर लिया भी कहाँ पर कितना बड़ा ये डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप इसको एडिट, मतलब आप टैक्स ऐड कर सकते हो, आप इसको फिर भी चेंज कर सकते हो, आप पेंसिल से कुछ ड्रा करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। और इसमें आपको OCR का ऑप्शन मिलता है, लेकिन और इसमें भी आपको जो उनका वन ड्राइव है उसमें आपको फ्री स्पेस मिलती है, आप डायरेक्टली इसको एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे हो गए जिनको सिर्फ OCR ही चाहिए होगा ऑप्टिकल करेक्टर रीड, उसके लिए एक टैक्स स्कैन नाम की ऐप है, ये बिल्कुल फ्री ऐप है। तो मैं क्या करूँगा, मैं भी अभी एक वही डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा मैं, आप देखना ये कितना जल्दी काम करती है। तो देखा, मतलब इसने सेकंड में सभी करेक्टर्स को रीड कर लिया। तो यही है फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए। अगेन सभी ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मेरी मानो तो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो ऑफिस लेंस है वो आई थिंक सबसे बढ़िया ऐप है। लेकिन अगर आप ऑप्टिकल करेक्टर रीड कुछ सिर्फ आप उसी के लिए यूज़ करना चाहते हो तो मे बी ये ऐप आपके ज़्यादा काम की आएगी, टैक्स स्कैन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।